उनकी सियासत हमारी पार्टी से छुई थी। सो कुछ ना इतफाकिया को पार्टी छोड़कर बीएसपी गए, इंडिपेंडेंट ठहर गए, मजबूरन दूसरा कोई रास्ता नहीं करको जनता दल को उनको वोट टाइम को जाना मंजूर नहीं, कई के वास्ते जनता दल को जाना मंजूर नहीं कर तो बीजेपी से खतरनाक कालिया कुमार स्वामी कर को तो वापस घर से घर को वापस आने वापसी करती घर वापसी हमारे पार्टी के कैंडिडेट जनक योगेश्वर साहब और हमारे पार्टी के लीडर मेरे छोटे भाई मिनिस्टर म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब, हमारे पार्टी के लीडर एक्स नहीं बोल सकता ऑलवेज एक्स कर को बोलने मेरे दिल्ली नहीं हो रहा ये कहते तो कभी भी गरीबों के बीच में गरीबों का दर्द जानने वाला गरीबों के काम करने वाला हर कौम को साथ में लेकर जाना हमारा लीडर डीके सुरेश साहब और एक हमारा उभरता हुआ लीडर नौजवान मेरा भाई मेरे बेटे की सरकार मोहम्मद नलपार साहब मेरा पूरा एक ही साहब और एक टाइगर योगेश्वर साहब बोले टाइगर किसे हराया सो ये निखिल कुमार स्वामी को हराने वाला निखिल कुमार स्वामी को नवे हमारे कालिया कुमार स्वामी को हराने वाला टाइगर इकबाल हुसैन साहब जबीउल्लाह साहब हुसैन हमारा ये सदाम साहब सबका चाहिता हमारा सदाम साहब देश में तस्दी फरमाए तमाम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग किस मकसद से जमा हुए कोई हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इलेक्शन होता है भाई इलेक्शन आता करके एक बार जो इलेक्शन होता है पांच साल के लिए इलेक्शन होता है पांच साल का कुमार स्वामी बगैर आपके परमिशन के मंडिया को जाके एमपी ठहर के रिजाइन देने की वजह से आज ये इलेक्शन आया हुआ है। कुमार स्वामी को दो बार एमएलए बने थे 2018 के अंदर एमएलए बने थे वो किस वोटों से बने थे मालूम नहीं ज्यादा मेजोरिटी थी 2018 के अंदर जैसी एस्ट मेजोरिटी इतना 2018 एमएलए मेजोरिटी आगे तो 2018 के अंदर 30,000 के ऊपर मेजोरिटी थी। हाल ही के इलेक्शन जो जीते ना सिर्फ और सिर्फ 12,000 वोटों से उन्होंने कुमार स्वामी साहब जीते वजह क्या होगा हमारे पास प्रसन्ना अग्रवाल कोई कैंडिडेट था दो साल से लगातार काम कर लगाता था हमारे आवाम के भी बीच में था सबके बीच में काम कर लेता तीन महीने इलेक्शन है सर का प्रसन्ना क्या करे जनता दल को जाकर जमने की वजह से हमारे पास कैंडिडेट नहीं था कैंडिडेट ना होने की वजह से चनपटना की तमाम आवाम ये क्या तो भी करको पूरे मुसलमान कांग्रेस कैंडिडेट वीट है करको कुमार स्वामी को वोट देखो 12,000 में उनकी जीत हुई सो डीके कुमार सर का 1,00,000 के सर का नहीं जमीर अहमद खान के सर का 55,000 से नहीं सिर्फ और सिर्फ 12,000 से लीड हुई। लीड होने के बाद उन्होंने क्या बोले ये मेरा स्टेटमेंट नहीं कुमार स्वामी का स्टेटमेंट मंजे मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है वोटा मांगने जाता भी नहीं मंजे वोटा भी देना नहीं करको ये कुमार स्वामी इलेक्शन के बाद मुसलमान समाज मेले डिपेंड आ राजकीय मरता इल्ला अश्वाक मुसलमान समाज मेले डिपेंड आ राजकीय मरता इल्ला अगर उस पर स्टोर गलती नहीं और एक दल जो अत्रेट कर रहा है इल्ला वो निफ़्टी इंडिया नहीं थे जरा चुप रह जो सब जरा गौर से उसे हिजाब भी नको पंजाब भी नको कहते उसे वोट आना हिजाब भी नको कहते पंजाब भी नको कहते उसे वोट आना कहते तुम जमा तुम्हें पैसा से क्या खरीद लेता कहते बीजेपी को जाको मुसलमान से पैसा खरीदे ए कुमार स्वामी तेरी बोली बोल एक एक पैसा चंदा कर को तेरे पूरे खानदान को खरीदने की ताकत मुसलमानों रख पाई कुमार स्वामी के पैसे योगेश को वोट बोलो सर मारे वोट के जद्दोजहद करके मुसलमान के वोटा लेने पूछ ले फिर ले को है। मैं कुमार स्वामी अब बीजेपी में जाको एनडीए पार्टनर के साथ है बीजेपी अलायंस सुनो बीजेपी के अलायंस को आजू बाजू वाला चुप खड़ा हो जाए सुनो भैया अब ने क्या करे जो आदमी हमना हिजाब पंजाब भी नहीं होना मुसलमान के वोटा की मुझे जरूरत नहीं मुसलमान के वोटा में पूछने जाता नहीं मुझे उन्होंने वोटा डालने की जरूरत नहीं करको उन्होंने बोली सो वीडियो के साथ ना दिखा को
कुमार स्वामी का। अब 10 दिन से क्या कर रहा, लगातार मुसलमान एरिया के अंदर मुसलमान के वोटा होना करो, फिर ले जा रहा। कुमार स्वामी वोटा पूछने आते तो मैं खाली इतना बोलना, एक काम कर बा, तू एनडीए पार्टनर, तू बीजेपी के साथ है, तुम्हारा पार्टी का एक एमएलए इतनाल कर को बीजापुर से जीतिया। एमएलए जीतने के बाद एक बड़ा पब्लिक मीटिंग करता, वो पब्लिक मीटिंग के अंदर ओपन बोलता, मुसलमान बुरखा पहने सोले मेरे पास आना नहीं, दाढ़ी छोड़ी सोले मेरे पास आना नहीं, टोपी पहनी सोले मेरे पास आना नहीं, कौन भी मुसलमान आए तो मैं काम नहीं कर तुम को, तुम्हें लोग भी सोशल मीडिया में देखी, देखे कि नहीं देखी, देखे हटा उठो, कौन कौन देखे वो बराबर नहीं। अब वो कुमार स्वामी के काम करने बोलो, अब बीजेपी पार्टनर ना होना, बीजेपी के साथ ही चेसना पार्टनर ना, उनसे बीजेपी से अध्यक्ष विजयेंद्र जो है ना उसके हाथ से यत्नाल के हाथ से इतना बोल दे, हमें मुसलमान के काम करती, हमें मुसलमान के साथ करती, हमें योगेश गुरु नको जनता दल को वोट दे लेंगे। ताकत रखता क्या पूछो ना बोलने की, वो ताकत रखता क्या, मैं वो नहीं रखता। अब उन्हें क्या कर रहा, वो जदत वक्त ना कम होने की वजह से